कदमा थाना अंतर्गत राम जन्मनगर के पास नहाने के दौरान दो बच्ची नदी में डूब गई। बताते चलें कि पास ही नहा रहे अन्य लोगों ने एक बच्ची को तो बचा लिया, पर एक बच्ची नदी के तेज बहाव में बह गई। इधर सूचना पाकर कदमा पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से बच्ची को निकालने के प्रयास में जुट गई। इधर प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 10 वर्षीय बरखा मुखी और उसकी सहेली प्रियंका नदी में नहा रही थी और पास ही में प्रियंका की बड़ी बहन नंदिनी भी नहा रही थी। अचानक बरखा और प्रियंका डूबने लगी तो दोनों नदी के तेज बहाव में बहने लग गए। लोगों ने बरखा को तो बचा लिया और उसे परिजन अपने घर लेकर गए। फिलहाल प्रियंका की तलाश जारी है। हम नहा रहे थे तब देखे एक तो बच्ची दोनों डूब रहे थे तो एक तो पाए और एक तो बचाए और तो एक तो गहरा में चले गई। अच्छा। तो उसको नहीं सके खोजने, अभी भी खोज रहे हैं, दिखाई नहीं दे रही है। इसको बचाए, क्या नाम है इसका? इसका नाम है बरखा। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या हुआ? मेरा नाम ओम। इसको तुम कैसे बचाया? मतलब पानी में घुस के, तैर के। उस समय तुमको डर नहीं लगा जब बच्ची को बचाने गया तो? नहीं। दूसरा वाला को बचाने गया था फिर? हाँ, खोजने गया था, देखे मिला नहीं। अच्छा। ठीक। सब लड़का लोग कुछ 10-15-20 लड़का, दो बच्चा था, एक बच्चा दहके वहाँ पर निकल गया और एक डूब गया, मिला नहीं। आता दोनों बच्चा आप ही का था क्या? नहीं, एक बच्चा था जो डूबा। बेटा बेटी? बेटी था। पानी बड़ा, अभी तो भेजने नहीं चाहिए था नदी में। डेली माना करते सर, बच्चा लोग जो रखे मिलने चाहिए नदी में सर। हम देखे हैं सर की उसका पीछे लग रहा। कि जैसे लोग आसपास के लोगों के द्वारा जो बताया गया अभी तक सूचना मिली है कि यहाँ पर एक लेडीज़ थी और उसके साथ दो बच्चे गए हुए थे नदी में नहाने, तो नहाने के दरमियान जो छोटे छोटे बच्चे थे वो घुस गए, वो दोनों मतलब बह गए। ठीक है, तो जिसमें से एक का नाम था संजना प्रियंका, वो छोटी 10 साल की उम्र की आसपास होगी, तो वो जो है बह गई। उसके साथ और को फ्रेंड थी तो उसको बचा लिया गया, और उसका जिसका नाम बरखा है और उसका उम्र लगभग 7 वर्ष है, तो इसको बचा लिया गया और एक ठो मतलब डूब कर वो मतलब चले। बहुत काफ़ी प्रयास किया गया वहाँ, जितना भी आसपास है नौजवान लोग काफ़ी प्रयास किए, और बाकी जो प्रोसेस है अभी जो NDRF टीम के लिए वो भी किया गया प्रोसेस। बस आपने भी स्थानीय लोगों से कुछ अपील की है? हाँ हाँ, वही हमने अपील किया है कि जितने भी कभी भी नदी का तेज बहुत पानी अभी फिलहाल, तो उस पर जाने से रोका जाए बेहतर होगा, कि हम घटनाएं हमेशा होती रहती है, इसे रोका बहुत जरूरी है। ठीक है।